ऐसे खिचड़ी बनाएंगे तो नहीं खाने वाले भी मांग के खाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हेल्दी और स्वादिष्ट वेजिटेबल खिचड़ी बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए, इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें एक कटोरी मूंग की दाल डालेंगे। यहाँ मैंने मूंग की दाल का यूज़ किया, आप इसकी जगह मूंग और मसूर की दाल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और मूंग की दाल को हम मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जिससे मूंग की दाल का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और मूंग की दाल हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मूंग की दाल हमारे अच्छे तरीके से भुन गई है। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और दाल हमारे ठंडे हो गए हैं और अब हम इसमें 2 कटोरी नॉर्मल रेगुलर या डेली खाने वाला चावल डालेंगे। यहाँ मैंने जितना दाल लिया था उसका डबल चावल ली हूँ। आप चाहे तो दाल और चावल का क्वांटिटी सेम कर सकते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। 2 ग्लास पानी डालकर हम इसे अच्छे से हाथ से मसलते हुए वॉश कर लेंगे, जिससे चावल और दाल पे लगा हुआ सारा डस्ट और धूल अच्छे से धुल जाएगा और चावल हमारे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं मैंने दाल चावल को अच्छे से धो लिया है। और अब हम एक इस तरीके का भगोना या बर्तन लेंगे, या आप इस रेसिपी को कुकर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और ये देखिए, बर्तन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ऑयल हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा। और अब हम इसमें 2 कटे हुए आलू डालेंगे। यहाँ मैंने आलू को बड़े टुकड़ों में काटा है और हम इस तरीके से बड़े टुकड़ों में ही कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। गाजर और आलू को हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए सुनहरा या गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, जिससे आलू और गाजर हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आलू और गाजर दोनों हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है, बाद में हम इसे खिचड़ी के साथ और भी हम इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं आलू और गाजर को यहाँ मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। और गैस का फ्लेम मीडियम या स्लो कर लेंगे, जिससे ऑयल हमारे जलेंगे नहीं। और सेम तेल में ही तड़के के लिए मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 से 2 तेज पत्ता डालेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 से 2 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। 1 से 2 लौंग और इलायची ऐड करेंगे, जिससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, आप सूखी लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने खुशबू और फ्लेवर के लिए 2 हरी मिर्च भी ऐड किया है। और इन सभी को हम मीडियम फ्लेम पे चला लेंगे एक बार। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते से इस खिचड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चुटकी हींग डालेंगे। और एक बार इन सभी इंग्रेडिएंट को हम मीडियम फ्लेम पे ही एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। टमाटर हमारे जल्दी गले, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें लंबे टुकड़ों में कटे हुए प्याज डालेंगे। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को 25 से 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट जल्दी भुन जाएंगे और सभी का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसमें अच्छा सा कलर आएगा और ये तीखा भी नहीं होता है। और अब हम इन सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे और इसका फ्लेवर सब्जियों में अच्छे से आ जाएगा। मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसमें भिगोए हुए दाल और चावल ऐड करेंगे। दाल और चावल ऐड करके या डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे दाल और चावल को हम सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और दाल और चावल को भी मसालों के साथ इस तरीके से आप मिलाएंगे तो दाल और चावल में मसालों का सारा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और फिर ये मसालों के साथ जब ये पकेंगे खिचड़ी तो हमारे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बन के तैयार होंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ऐड किया है, आप चाहे तो अलग से गर्म पानी भी इस पे डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जितना चावल और दाल लिया था उसके डबल से भी ज़्यादा यहाँ मैंने पानी ऐड किया है। और अब हम इन सभी को हाई फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे पानी में जल्दी उबाल आ जाएगा और खिचड़ी हमारी जल्दी पक के तैयार होगी। और अब हम इसे ढक करके इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। खिचड़ी को ढके हुए हाई फ्लेम पे 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं खिचड़ी में बहुत ही अच्छा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे खिचड़ी हमारा तले में चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें फ्राई किए हुए आलू और गाजर ऐड करेंगे जिससे खिचड़ी के साथ आलू और गाजर भी अच्छे से पकेंगे और इसके अंदर भी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम आलू और गाजर डालकर इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। और अब हम इसे ढक कर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और खिचड़ी को हम बीच में चलाते हुए चेक कर लेंगे और 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से पक गई है और इसका एक एक दाना बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और आप देख सकते हैं खिचड़ी का पानी भी अच्छे तरीके से सूख गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस टाइम पे इस पे गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं और अपने पसंद के अनुसार घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दे और इसे ठंडा होने दे। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप खिचड़ी बनाएंगे तो नहीं खाने वाले भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। और ये देखिए ये खिचड़ी बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आप ज़्यादा तेल मसाला खा करके बोर हो गए हैं तो इस तरीके से आप खिचड़ी बनाएं और घर में आपके साथ बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और इस खिचड़ी के साथ आपको किसी भी तरह की सब्जी और चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे सिंपल सा अचार और पापड़ के साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आप खिचड़ी बनाएं, घर पे बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में। और ये देखिए यहाँ मैंने खिचड़ी को अचार और सिंपल से पापड़ के साथ सर्व किया है।